केंद्रीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार से 200 की नई करेंसी का संचार शुरू कर दिया है। ज्यादा सुरक्षा फीचर से लैस 200 रुपए की नई करेंसी 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी लागू होने के बाद तीसरी नई करेंसी है जिसे बाजार में उतारा जा रहा है। इस नई करेंसी का मकसद नोटबंदी के बाद बड़ी डिनोमिनेशन की 500 और 2000 रुपए की करेंसी से पैदा हुए करेंसी संकट को दूर करना है। नोटबंदी के फैसले से बाजार से 500 रुपए और 1000 रुपए की करेंसी को हटा लिया गया था, जिसकी जगह रिजर्व बैंक ने नई सीरीज के और अधिक सुरक्षा फीचर्स के 500 और 2000 रुपए की नई करेंसी का संचार शुरू किया था। लेकिन बड़ी डिनोमिनेशन की दोनों करेंसी से बाजार में फुटकर का पूरा दबाव 100 और 50 रुपए की करेंसी पर पड़ने लगा, जो कुछ ही दिनों में रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार के लिए सिरदर्द बन गया। संचार में पैदा हुए संकट के अलावा रिजर्व बैंक को स्थिति सामान्य करने के लिए अधिक से अधिक 50 रुपए और 100 रुपए की करेंसी की प्रिंटिंग करने की जरूरत थी, लेकिन 50 और 100 रुपए की नई सीरीज की करेंसी प्रिंट करने की लागत अधिक होती, लिहाजा रिजर्व बैंक ने इस 200 की करेंसी से कम खर्च में ज्यादा करेंसी छापकर बाजार को सामान्य करने की कोशिश की।